हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे हम ESIC पैरामेडिकल स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है, जिसकी आपके लास्ट डेट आपके आ जाए यानी कि 30 अक्टूबर। तो अभी लगभग बहुत से कैंडिडेट इसमें आवेदन तो कर दिए, अभी बहुत से कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि इसमें आखिरकार कितने आवेदन हुए यानी कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो वो मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपके कितना कंपटीशन आपके रहने वाला है। तो पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और आपके एग्जाम डेट क्या होगी, और आपके एग्जाम पैटर्न आपके क्या रहने वाला है, तो वो हम डिटेल देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम मैंने नोटिस को ओपन किया, नोटिस में हम अपन बढ़िया जो जानकारी दी हुई है वो जानकारी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है। देखो ये आपके जो पैटर्न है, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपकी जो फील्ड होगी, आपने जिस फील्ड में आपने अप्लाई किया तो उसके नॉलेज के बारे में आपको, ये आपको 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो आपके 100 नंबर के आपके होंगे, और जो जिसमें आपको 60 नंबर आपको इसमें मिलेंगे, और आपके बाकी 60 नंबर आपको इसमें यानी कि सॉरी 60 मिनट आपको यानी कि 2 घंटे का आपके ये समय होने वाला है, जिसमें बाकी आपके जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन, बाकी आपके अर्थमेटिक एबिलिटी के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, और इसमें अगर देखें तो आपके नेगेटिव मार्किंग आपके 1/1 होने वाली है। आप देख सकते हैं 1/1 आपके नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन आपने सही किया है, देखो अगर आपने देखो इसको थोड़ा आप या इग्नोर करना, यहाँ पे जैसे आपके 10 नंबर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर, तो अगर आपने इसमें एक क्वेश्चन किया है जिसके आपको लगभग 1 नंबर मिल गया है, और बाकी के अगर आपने इसके 4 प्रश्न और आपने अगर गलत कर दिए तो वो आपको 1 नंबर पूरा माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका कोई भी नंबर आपके इंक्लूड नहीं होगा, वो आपके नेगेटिव मार्किंग का आपके रूल्स होने वाला है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपके दिए हुए के 45%, और बाकी OBC का आपका 40%, OBC और EWS आपके 40% है, SC ST आपके 35% है। बाकी इसमें आप सिलेक्शन प्रोसेस देखो तो आपके इसमें देखो ये जो पोस्ट है कौन सी है, ये जो आपके मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, ये शायद कंप्यूटर की पोस्ट है जहाँ तक मुझे लगता है, जिसमें आपके देखो बाकी सभी पोस्ट का अलग अलग डिटेल है, जिसमें आपके फेज 2 में आपके किसी किसी में हो भी सकता है, किसी किसी में आपके प्रोसेस नहीं भी हो सकता। तो इसमें आपके कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, CBT 1 में तो उनके डाटा एंट्री टाइपिंग आपके टेस्ट होगा, और जिसमें आपके लगभग जो वैकेंसी है उसका लगभग 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। ये बात हो गया। बाकी इसमें आपके देखो पेपर 1 आपके होने वाला है, और पेपर 1 होगा, उसके बाद आपके मेडिकल रिकॉर्ड, आपके असिस्टेंट फाइल, सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ द बेसिक परफॉर्मेंस कैंडिडेट इन बी फेज 1 वेटर, यानी कि आपके जो पेज 1 एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग, और आपके डाटा एंट्री टेस्ट है उसके, यानी कि आपके जो डाटा एंट्री टेस्ट है वो आपके क्वालिफाई नेचर है, उसको आपको क्वालिफाई करना ही है, और बाकी जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके CBT 1 एग्जाम पे आपके मेरिट बनेगी। ये बात होगी। अभी हम एग्जाम डेट की बात करें तो देखो ESIC जो आपके संस्था है वो आपके बहुत ही जल्द से जल्द आपके एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यानी कि 45 दिन के अंदर अंदर आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि आपके लगभग मान कर चलो कि नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम होने के चांस बन सकते हैं। तो एग्जाम डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, नवंबर में लास्ट में या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम होने के चांस बनेंगे। ये हो गया। अभी जो आपके मेन मुद्दा है कि इसमें कितने आवेदन आपके अभी तक हुए हैं, देखो चलते हैं हम देखते हैं डिटेल, जो पूरी डिटेल मैं आपको प्रूफ के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि कितने आवेदन आपके इसमें हुए हैं। देखो सबसे पहले देखो ये नहीं है, ये है, आप देख सकते हैं ये आपके कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये आज की डेट है, जिसमें किसी कैंडिडेट ने जो स्टार्टिंग में आवेदन किया था, यानी कि जब आपके रिक्रूटमेंट की डेट आई थी फर्स्ट डेट, यानी कि इस डेट से इस डेट तक आप आवेदन कर सकते, तो स्टार्टिंग में जिस किसी कैंडिडेट ने आवेदन किया था वो आपके, आप देख सकते हैं 25800864, यानी कि जो आपके 258 है वो आपके इस पोस्ट के जो आपके रिक्रूटमेंट है इसके कोड है 258, बाकी जो आपके आगे की संख्या 864, ये आपके आवेदन की संख्या है। ये तो आपके स्टार्टिंग की होगी। अभी हम देखते हैं कि आज की डेट में मैंने आवेदन किया वो हम देखते हैं। देखो आज की डेट में मैंने आवेदन किया वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिए हुए, यहाँ पे हम देखते हैं 25 8, यानी कि जो आपके 3 संख्या 258 तो आपके कोड हो गए, बाकी आपके आगे की संख्या 113778, जिसमें आपके 1,13,778 यानी कि 1,13,778
यानी कि 1,13,777 आपके इसमें आवेदन हो चुके आज की डेट तक, यानी कि आज आपके डेट है 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर आपके डेट हो चुकी है आज की डेट में आपके ये अभी आवेदन हो चुके। एक और मैंने आवेदन किया मेरे फ्रेंड के, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके कितने थे लास्ट में, 1,13,778, और यहाँ पे आपके 1,13,823, यानी कि कुछ लगभग 5-10 मिनट के अराउंड मैंने आवेदन किया, तो वहाँ पे आपके आवेदन हुए वो आपके 1,13,823, यानी कि ये आवेदन आपके 1,20,000 के अराउंड आपके जा सकते हैं। कितने? 1,20,000 के अराउंड। और इसमें से वापस भी आपके लगभग 25 से 30 हज़ार फॉर्म आपके रिजेक्ट होंगे पूरे चांस है, क्योंकि कोई से बहुत से ऐसे भी होते हैं जो आवेदन करते हैं या फिर आवेदन करने के बाद उनके कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो जिस कारण वो फॉर्म को वापस अप्लाई करते हैं, तो इस कारण, और किसी किसी लगभग कोई फॉर्म फीस पेमेंट नहीं करता उनके भी लगभग फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो जिस कारण आपके लगभग एवरेज माना तो आपके लगभग 80 से 90 हज़ार के आसपास आपके इसमें वैलिड आपके फॉर्म होंगे। तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दिए, बाकी आपको कोई भी डिटेल मुझे जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।